क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर बंदा जो प्लस टू करता है उससे पूछ लो कहाँ जाना है, कनेडा। कनेडा में कहाँ जाना है, ब्रैम्पटन। तो गैस आज शायद कुछ लोगों को पता नहीं है कि ब्रैम्पटन के अलावा भी कनाडा में बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ आप सब लोग जा सकते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं आई है। लास्ट जो वीडियो आई थी वो आई थी होली पे, तो उसके बाद से कोई वीडियो नहीं आई है। तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स मई बैच में नए आ रहे हैं या सितंबर बैच में आएंगे या जैन में आ चुके हैं। तो गाइस, ब्रैम्पटन में आपको क्यों नहीं आना चाहिए? ब्रैम्पटन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। मैं आया था ब्रैम्पटन में 2018 में जैन बैच में ही। 5 साल मुझे आए को हो गए हैं और अभी लास्ट 2 मंथ से मैं हूँ इंडिया में। तो 2 महीने से मैं इंडिया के अंदर हूँ और स्टोरीज जो है मैं रोज़ देखता हूँ। आज भी मेरे जो फेलो यूट्यूबर्स हैं, पिंटू कनेडियन, प्रभ जोशन, एवरी डे वो स्टोरीज डालते हैं 20 20 30 30 की, नीड अ रूम फॉर अ गर्ल, नीड अ रूम फॉर अ बॉय। तो रहने की ब्रैम्पटन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर बंदा जो प्लस टू करता है उससे पूछ लो कहाँ जाना है, कनेडा। कनेडा में कहाँ जाना है, ब्रैम्पटन। तो गैस आज शायद कुछ लोगों को पता नहीं है कि ब्रैम्पटन के अलावा भी कनाडा में बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ आप सब लोग जा सकते हैं। और अभी के टाइम पे तो आप और सिटीज में ही जाएँ तो उसमें ही आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि ब्रैम्पटन में काम की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है और रहने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। हर बंदा जो कनाडा आ रहा है इतना फॉर्चुनेट नहीं होता। कुछ लोग ज़मीन जायदाद गिरवी रख के आते हैं, कुछ लोग जो है लोन लेके आते हैं अपने घर पे या दुकान पे, तो उनके सिर पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। उन्हें लोन वगैरह पे ऑफ करना होता है, किस्तें भरनी होती है, राइट। तो काम मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रैम्पटन के आसपास ही 4 5 शहर हैं, काफ़ी सारे शहर हैं वैसे तो, पर 4 5 जो है मेन मेन शहर हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स भी काफ़ी मिल जाएंगे और आपको काम भी वहाँ पे मिल जाएगा और जो रहने की समस्या है वो भी आपकी वहाँ पे हल हो जाएगी क्योंकि रेंट जो है उन सिटीज़ में एज कम्पेयर टू ब्रैम्पटन काफ़ी आपको कम मिलेगा। तो मेन जो चीज़ है स्टूडेंट्स जो आते ही करते हैं नई चीज़ वो ये होती है कि आप कनाडा में आने के बाद आप अपना सीन नंबर लेते हैं सर्विस कनाडा जाके, राइट। आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और आप अपना डीएल लेते हैं जो कि होती है आपकी गवर्नमेंट आईडी, राइट। तो कनाडा में आपको जीवन तो आपके रहना पड़ेगा ही। तो ये जो 2 दिन आइडिया है ये अगर आइडिया आप ब्रैम्पटन में आके बनवाते हैं तो ब्रैम्पटन में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप सुबह 5 बजे जाके लाइन में लग जाएं तो कई बार शाम तक आपका नंबर नहीं आता। इसकी वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें वीडियो में आपको समझ चल जाएगी। तो मेरे जितने भी नॉन लोग आए हैं लास्ट कुछ टाइम में उन सबको मैं ब्रैम्पटन से काफ़ी दूर लेके गया हूँ, या तो ऑरेंज विल या तो ओकविल। वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स काफ़ी कम टाइम में मिल जाते हैं, आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग हैं, आप कुछ यार दोस्त रहते हैं कनाडा में पहले ही, दोस्त या कज़न या फैमिली कोई भी है, तो कोशिश करें ब्रैम्पटन आप ना जाएँ सिन नंबर लेने, आप कहीं और जाएँ, ओकविल जाएँ, बर्लिंगटन जाएँ, हैमिल्टन जाएँ, ऑरेंज विल जाएँ। यहाँ पर आपको ईजिली बिना लाइन में लगे हुए आपका सिन नंबर मिल जाएगा। तो खुशी मेहता हमारे साथ हैं, तो ये आपको आज बताएंगी टॉप 5 सिटीज़ जो कि ब्रैम्पटन के आसपास ही है जहाँ जाने से आपको जो ब्रैम्पटन में जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कनाडा में सिर्फ ब्रैम्पटन सिटी नहीं है। ये ऋतिक भी अपनी वीडियोस में पहले बहुत बार बता चुके हैं कि ब्रैम्पटन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी होती जा रही है, हो भी चुकी है। तो आप और सिटीज़ में जाएं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, वहाँ पे आप काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल हो सकेंगे। तो मेन प्रॉब्लम्स यही आती हैं लोगों को कि भाई जॉब नहीं मिलती है या हाउसिंग की दिक्कत। तो मैं आपको आज टॉप 5 सिटीज़ बताऊंगी जहाँ पे ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होएंगी। और कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि सिर्फ ब्रैम्पटन में इंडियन स्टूडेंट्स हैं और जगह इंडियन स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको कैनेडा के छोटे से छोटे सिटी से बड़े सिटी तक हर जगह इंडियन स्टूडेंट्स मिलेंगे। हर जगह तो मैं आपको टॉप 5 सिटीज़ बताऊंगी जो ब्रैम्पटन से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही होंगे, ज़्यादा दूर नहीं होंगे। नंबर 1 हैमिल्टन, नंबर 2 रिचमंड हिल, नंबर 3 ऑकविल, फोर्थ वॉन, फिफ्थ नॉर्थ यॉर्क। तो ये सिटीज़ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी, काफ़ी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स हैं, इजीली मिल जाएंगी। और तो और वहाँ पे हाउस रेंट्स भी काफ़ी अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू ब्रैम्पटन। इतना आपको मतलब जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा रेंट के पीछे, एक दो बारी में आपको अच्छे घर मिल जाएंगे कम से कम रेंट में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, ऋतिक आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इन सिटीज में जाएं तो ज्यादा बेटर है। राइट, तो
तो गाइस इन सिटीज़ में जाने का जैसे कि फ़ायदा खुशी ने बताया आपको कि काम काफ़ी इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि मैं वहाँ 5 साल से रह रहा हूँ तो मुझे पता है इन सिटीज़ की, मैं नेट पे देखता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी वैकेंसीज जो है, अवेलेबिलिटी जो है काफ़ी हायरिंग दिखाता रहता है, हायरिंग बोलते हैं वहाँ पे, राइट? तो हायरिंग देयर, हायरिंग जो है, तो हायरिंग हर जगह चलती रहती है, तो वहाँ पर काम की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाउसिंग की जो जैसे बात की है, काफ़ी कम प्राइस में आपको घर मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू ब्रैम्पटन, वो आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लेके आ रहे हैं टॉप 10 वर्क प्लेसेस जहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप उन सिटीज़ में हैं या ब्रैम्पटन में या कैनेडा में कहीं भी हैं। तो ये जो काम है स्पेशल 10, ये 10 जगह तो हम आपको बताएंगे, ये 10 चीज़ें, ये 10 जो वर्क प्लेस हैं ये ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं, तो यहाँ पर वैकेंसीज भी हमेशा रहती हैं, हायरिंग भी ऑलमोस्ट हमेशा चलती रहती है। तो नए स्टूडेंट्स को इस जॉब में काफ़ी हेल्प मिलेगी और पुराने भी जिनको नहीं पता उनको भी काफ़ी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो करें शेयर, जो भी कनाडा नए जा रहे हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके और वो सही डिसीजन लेके सही सिटी में जा सके। वीडियो अच्छी लगी वीडियो करें लाइक, सबके साथ करें शेयर, कमेंट्स में लिखें आप कुछ और भी जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।